हे गाइज़ वेलकम बैक माई चैनल और आज मैं बनाने जा रही हूँ चौलाई का साग की एकदम अलग रेसिपी चौलाई का साग तो आपने बहुत बार खाया होगा और बहुत अलग अलग तरीक़ों से बनाया भी होगा लेकिन आज जो मैं चौलाई का साग बना रही हूँ ना वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा और आपने ये रेसिपी ना कभी नहीं बनाई होगी और ना ही कभी खाई होगी तो इस तरीके से ना ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी क्रंची और बहुत ही ज़्यादा यमी बनता है तो आइए फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दें साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें इससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे सब पहले मिलेगी और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें तो चलिए टेस्टी सा साग बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा किलो के करीब में साग लिया था जिसमें से मैंने इसको अच्छे से वॉश किया है इसको अच्छे से चुन लिया था अच्छा अच्छा जो इसमें फ्रेश लीव्स थी और इसको मैंने ना इकट्ठा कर लिया एक छोटे छोटे स्टीम्स को छोटे छोटे पत्तों को इकट्ठा कर लिया जैसे कि आप देख सकते हैं इसको मैंने अलग करके रखा हुआ है और मैं आपको बता देती हूँ कि इसको किस तरीके से आपको एक सार करना है तो यहाँ पर ना ये देखिए मैंने ये ऐसे स्टीम उठाई हुई है पत्तों वाली और जो इसके ऊपर जो मोटी वाली स्टीम होती है ना वो आप उस डंटी को तोड़ के हटा दें बस इस तरीके से और इसके बाद दूसरी वाली उठाएं और इसमें भी अगर वो मोटी है डंडी तो उसको निकाल दें और इसी तरीके से आप बाकी सारे पत्ते को इकट्ठा कर लेंगे जिस तरीके से मैं कर रही हूँ एकदम मुट्ठी में दबा के आप देख सकते हैं तो इस में आप छः से सात पत्ते ले लें इसी तरीके के और इकट्ठा कर लें इसको एक मुट्ठी बन जाएगी जैसा कि आप देख सकते हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने ये साग तो पहले से बना के रखा था तो इसी तरीके से आपको ना साग के छोटे छोटे पोर्शन में आप इसको इकट्ठा कर लें और इसको अलग कर दें और उसके बाद ना मैं आपको बताऊंगी इसको हम किस तरीके से बनाएंगे तो अब हम क्या करते हैं एक बाउल ले लेते हैं और यहाँ पर मैंने जो घर में हम नॉर्मल कटोरी यूज़ करते हैं ना उससे मैंने आधी कटोरी यहाँ पे चावल ले लिया है और यहाँ पर आप कोई सा भी चावल ले सकते हैं चावल से कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें मैं पानी डाल देती हूँ और इसको दो से तीन घंटे के लिए सोख कर लेती हूँ दो से तीन घंटे हो गए हैं और चावल जो है हमारे अच्छे से सोख हो चुके हैं तो इसका जो एक्स्ट्रा जो पानी है उसको हम ड्रेन आउट कर लेते हैं और उसके बाद ना हम इसमें ले लेते हैं दो मैंने यहाँ पर सूखी वाली लाल मिर्ची ली है और इसके साथ ही मैं यहाँ पर पाँच से छः मैंने यहाँ पर लहसुन की कलियाँ ली है और इसका मैंने पेस्ट बना लिया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एकदम फाइन पेस्ट बन गया है इसका ना ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा थिक है तो अब यहाँ पर हमारे मसाले मिला लेते हैं तो मैं यहाँ पर एक चम्मच के करीब में ले रही हूँ धनिया पाउडर और इसके साथ ही मैं आधा चम्मच यहाँ पर लूँगी हल्दी पाउडर इसके साथ ही यहाँ पर हमने जो मिर्च है वो तो ली है स्पाइस के लिए थोड़ी सी मैं यहाँ पर अजवाइन ले रही हूँ इसको मैंने इस तरीके से डाल दिया है और अब इन सभी को ना हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अगर आपको कलर चाहिए इसमें तो आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं मैं इसको इसी तरीके से बना रही हूँ स्पाइस के लिए मैंने मिर्च पहले से ही डाल दी है थोड़ा सा पानी डालूँगी और स्वाद अनुसार इसमें नमक भी डाल देते हैं थोड़ा सा थिक लग रहा था मुझे तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पानी डाल के इसको एक बार मिक्स कर लिया है अच्छे से तो जैसे कि आप देख सकते हैं और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं ना ही ज़्यादा थिक है और ना ही ज़्यादा थिन है एकदम फ्लोई इसकी कंसिस्टेंसी नहीं है और बस इसी तरीके का चाहिए अगर आपको कलर चाहिए तो इसमें आप कश्मीरी लाल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर देखिए जो हमने इस साग को इकट्ठा किया था इसका जो बंच बनाया था हमने उसको हम इस तरीके से लेंगे और इसी तरीके से हम इसको दबाते हुए इस बैटर में डाल देंगे और इसी तरीके से बाकी के जो बंच हैं हम उनको भी उठाएंगे और बैटर में इसी तरीके से इसको डिप कर देंगे और इस तरीके से हम उसको रोल करेंगे घुमाएंगे ताकि जो बैटर है वो साग के हर एक साग में लग जाए और हर एक पत्तों में जो बैटर है वो अच्छे से लग जाए तो बस इसी तरीके से मैंने तीन से चार बंच बनाए जिनको कोट कर लिया है इस चावल के बैटर में और एक्स्ट्रा जो बैटर हमारे हाथ में लग गया है उसको नीट कर लेंगे और अब इसके बाद हम ले लेते हैं कढ़ाई और कढ़ाई में मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है जिसको हम अच्छे से गरम करेंगे बहुत ही अच्छे से हमें तेल को गरम करना है उसके बाद जो बंश हमने बनाया था कोट किया था बेसन में चावल के बैटर पे उसको हम एक्स्ट्रा जो हमारे पास हमारे साग में जो बैटर लगा है उसको हम ड्रेन होने देंगे आ, या फिर आप हाथ से इसको प्रेस करके ड्रेन करें तो बस इसी तरीके से बाकी के जो मैंने साग रखा है उसको भी हम इसी तरीके से तेल में डाल देंगे और फ्राई करेंगे तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम पे करेंगे और लो टू मीडियम पे हम इसको फ्राई करेंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची होता है तो एक बार में यहाँ पर मैंने चार पंच फ्राई किए हैं और यहाँ पर गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पर ही रखेंगे और जब ये थोड़ा सा नीचे से सिक जाए ना थोड़ा सा क्रिस्प हो जाए तभी हम इसको पलटेंगे वरना ये टूट सकते हैं तो यहाँ पर देखिए ये नीचे से थोड़े से ना क्रिस्प भी हो गए हैं और थोड़े से लाइट गोल्डन कलर भी आ गया है इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें तो इसको मैं अलग कर लेती हूँ ये सारे चिपक गए थे तो बस इसी तरीके से ना हमें इसे फ़्राई करना है और यहाँ पर अब इस साइड से भी जो हमारा कलर है वो भी अलग हो गया है इसका चेंज हो गया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अलट पलट के दोनों साइड से मैंने इसको फ्राई कर लिया है बहुत ही जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं और क्रिस्प होते हैं बहुत ही ज़्यादा तो बस यहाँ पर हमारे जो साग है वो बन के तैयार हो चुका है इसको हम निकाल लेते हैं एक्स्ट्रा जो ऑयल है उसको ड्रेन होने देंगे तो क्या कभी आपने साग की ये रेसिपी खाई है इस तरीके से आप ज़रूर से मुझे बताएं ये बहुत ही ज़्यादा यमी बनता है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है आप इसे दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं या फिर टमाटो कैचअप ले लें हरी चटनी ले लें ले... उस सब के साथ भी आप इसे इवनिंग स्नैक्स में भी खा सकते हैं बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है एकदम क्रंची होता है ज़रूर से ट्राई करें आप ये रेसिपी और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएँ कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी यहाँ पर मैंने थोड़ा सा काला नमक स्प्रिंकल कर दिया है इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है इससे आप इसमें चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं तो देखिए कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना है बाहर से और अंदर से उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट है मैं इसको एक ना आपको तोड़ के दिखा देती हूँ बहुत ही ज़्यादा यमी बनाया है तो देखिए यहाँ पर ये एक तोड़ के दिखाती हूँ मैं देखिए अंदर से कितना ज़्यादा सॉफ्ट है और बाहर से उतना ही क्रिस्पी जब आप इसको बनाओगे ना तभी आपको पता चलेगा कि ये कितना ज़्यादा टेस्टी बनता है गाइज़ तो आपको ये सिंपल सी साग के पकौड़ों की रेसिपी कैसी लगी? आप अपने फ़ीडबैक मुझे ज़रूर से दें और अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही यम्मी और यूनिक रेसिपीज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग